KDA Employees Union का सरकार सरजारी डिवीजन, जौहर डिवीजन और मंसूरा डिवीजन का रेफरेंडम के सिलसिले में तूफानी दौरा। KDA Employees Union यूनाइटेड लेबर फेडरेशन MQM पाकिस्तान के ज्वाइंट इंचार्ज इमरान हसन जाफरी, चेयरमैन एम्प्लाइज यूनियन मोहम्मद अब्दुल मारूफ, सदर नदीम खोखा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास, जशान मलिक यासिर, नसीम बाबू, मोहम्मद अजीज गफूर लोच, लालू नासिर खान, जफर शेख ने इस मौके पर इमरान हसन जाफरी ने कहा कि मुक्का के निशान पर मोहर लगाना है। मोहर लगाकर KDA एम्प्लाइज यूनियन को कामयाब कराना है। चेयरमैन एम्प्लाइज यूनियन मोहम्मद अब्दुल मारूफ ने कहा कि मजदूर यूनियन ने वर्क चार्ज मुलाजमीन का माशी कत्ल किया और मुलाजमीन को चार्टर ऑफ डिमांड दिलाने में नाकाम रही है। आप मुझे बताइए, क्या मजदूर यूनियन CBA ने आपको कोई चार्टर दिया? नहीं, तो आई नहीं। मजदूर यूनियन ने आपके तनख्वाह में कोई इजाफा किया? नहीं। ये मजदूर यूनियन ने CBA ने आपको मेडिकल फैसिलिटीज दी? नहीं, वो तो छीन लिया। मजदूर यूनियन ने आप वर्क चार्ज के 6.5 से मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया। सेम। और अब आपसे दोबारा भीख मांग रही है। किस बात की भीख मांग रही है? वोट की। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। अशरफुल मखलूकात है, अपने जहनों पे सोचे, रात को बैठ के बेड पर ये बात सोचे, मजदूर यूनियन ने किया क्या है। और आज उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।